हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। चिगू का बर्थडे हो चुका है ख़त्म और अब लग जाते हैं काम पर। और आज है 15 अगस्त, तो आज हमारा ऑफ है, यानी शॉप का भी ऑफ है और घर पे तो ऑफ नहीं है। घर पे करूँगी मैं कुछ साफ़ सफाई। आप देख सकते हो रूम की क्या हालत होगी। इधर डाइनिंग के पास तो मैंने थोड़ा सा क्लीन किया है अभी, और इधर देखो चिकू के सारा स्टफ पड़ा हुआ है। और बेड की भी हालत देख सकते हो, कल सामान आया उसकी हालत। तो ये सब आज रूम की होगी साफ़ सफाई, और फिर मैं आपसे मिलूँगी, क्योंकि एक बार कर देते हैं रूम को कम्प्लीट क्लीन। मैंने आपको एक बार हालत तो बता ही दिए, तो वो उसी चीज़ को सुधार देते हैं। ठीक है, चलो बाय। अभी हो गई हूँ मैं रेडी, और आज मैंने पहना है जैसे कि सूट, और चिकू ने ही कहा था कि आज सूट पहन लो ऐसा, इसलिए मैंने सूट पहना है। और अभी जाएंगे हम शिमला मिर्ची लेने, क्योंकि आज बनाना है वेज पुलाव। तो वेज पुलाव के अंदर चाहिए सबसे मेन तो शिमला मिर्ची, और वो ख़त्म हो गई तो हम दोनों शिमला मिर्ची लेने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। अभी मैं बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। खाना बनाना मैं नहीं बता पाई, क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी, इसलिए सॉरी। पर खाने में बना है आज वेज पुलाव, दही और सलाद। और वेज पुलाव और दाल रोटी भी बनी है, पर मुझे खाना नहीं है, इसलिए मुझे आज वेज पुलाव खाने की इच्छा थी। तो ये जल्दी से करती हूँ फिनिश, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी तक रूम की हालत सुधरी नहीं है, शायद आज दोपहर में ही टाइम मिलेगा। मैंने जैसे कि बोला था कि खाना खा के मैं सफ़ाई करूँगी, पर मेरे से सफाई हुई नहीं। मुझे आ रहे थे थोड़े बहुत चक्कर, शायद थकान की वजह से आ रहे थे, तो मैं सो गई थी। लगभग सोई 2-3 घंटे सो गई, और अभी उठी हूँ। मैंने जैसे कि कल के व्लॉग में बोला था कि लास्ट में देखिए कुछ पार्सल है, उसको अनबॉक्स करेंगे उसको, और अभी हम जा रहे हैं उसको अनबॉक्स करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। कुछ सफाई हुई नहीं है, रूम की हालत वैसी ही वैसी है। रूम क्लीन, बस बेड क्लीन करके सो गई थी मैं। तो चलिए अब जा रहे हैं बाहर। और क्या मैं बोल रही थी आज, हाँ, कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया, एडिट करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, क्योंकि सारा इधर का शूट उधर था, उधर का शूट उधर था, तो सारा एक बार तो सेट करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। 3 बजे का मैंने बोला था, पर 4:30 बजे मेरा व्लॉग आया था। पर चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने मेरा व्लॉग देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो जाके जल्दी से देख लेना, और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ही बता देना। तो अभी हम जा रहे हैं उस पार्सल को अनबॉक्स करने, तो चलिए उस पार्सल को अनबॉक्स कर देते हैं। व्हाट आर यू डूइंग? लेट्स गो नाउ आउटसाइड। अभी के अभी कहाँ जा रहे हो? हट जाओ मेरे को हटना। इसको कहते हैं दिमाग, जो कि हमारे पास नहीं है ऐसा कहना है इनका, पर वो तो ऐसे ही कहा जाता है रेगुलर पास में रहते हैं। तो गाड़ी कहाँ है? गाड़ी यहीं है क्या? हाय फैमिली, कैसे दिख रहे हैं ना? ये रहा हमारा पार्सल, तो अब इसको अकेले ही ले जाना पड़ेगा। चलो भाई, हाथ में कुछ घुस नहीं जाए ना। वो पकड़ी में उस हिसाब से, मैं इधर साइड से पकड़ू, तेरे हाथ में घुसेगा फिर। कोई बात नहीं, दोनों के घुसेगा। तो लगाओ दम। रुको एक मिनट, कैमरा रख देते ना उधर साइड। उड़ने का ही ऑप्शन रहता है, इसलिए कच्ची लगती है। तो
लकड़ी ये वाली इसलिए डर लगता है, बाकी तो क्या है अच्छा अच्छा। एक और उसका नहीं लगा चुके देखे जरा। क्या है तेरे को आइडिया कुछ? अरे वो शायद मेरे लॉरियल का ही पार्सल है। लॉरियल से ही? लेकिन क्या है? लकड़ी का है क्या? लकड़ी अच्छा है ये इतना। और क्वालिटी भी जोरदार है। अच्छा हाँ बैक बार है, समझ गई मैं। आने वाला था ना ये। आपने फर्नीचर के मैचिंग किए? अच्छा बना हुआ है, अच्छा ना, पीछे बना हैंगिंग हो जाएगा, मस्त है। ये आया है पार्सल मेरा लॉरियल का, ये बार बैग है, बैग बार सॉरी बैग बार है, जो कि आने वाला था, बहुत टाइम से रुका हुआ था। हमारी बार है, स्पा बार, स्पा, हाँ बिल्कुल स्पा बार है, स्पा के सारे इक्विपमेंट्स इसमें रखने के लिए। ये अच्छा लॉरियल की तरफ से आया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आ तो कब से ही गया था, पर हम लोग उदयपुर जा नहीं पा रहे थे तो आ नहीं पाया था, पर आ गया है। और एकदम मेरे फर्नीचर का मैचिंग है बिल्कुल शॉप पे, और अच्छा भी लगेगा, और काफ़ी हेवी और अच्छी क्वालिटी का है। फुल है ना हेवी? तो अभी हो गया है लगभग मेरा रूम क्लीन, लगभग हुआ नहीं है पूरी तरीके से, वो हम धीरे धीरे कर रहे हैं। और चिकू यहाँ पर मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरे जो बाहर ले जाने के दोनों पर्स, एक ये वाला एक वो वाला, दोनों अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसके अंदर क्या चीज़ों की कमी है, यानी जो नॉर्मल हाइजीन में होनी चाहिए और मुझे कहीं कोई यानी कहीं फंस जाए, यानी जैसे कि कहीं ज़रूरत पड़ जाए और वो चीज़ मेरे पर्स में ना हो, ऐसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए, तो वो सब कंप्लीट फिल कर रहे हैं। ये सब चीज़ें भी पहले मेरे पर्स के लिए यही मंगवाते थे, अभी सब ख़त्म हो गया बाहर जाने के चक्कर, बाहर नहीं जाने के चक्कर में, तो इसीलिए सब कंप्लीट कर रहे हैं। एक पर्स तो कर दिया है कंप्लीट और एक कर रहे हैं, और जो ज़रूरत की चीज़ें वो भी साथ में मंगवा रहे हैं। अच्छे पति की पूरी पूरे कार्य निभाते हैं। क्यों जी? जी सही है जी, अब जी जी करके जी। ऐसे कैसा लगता है तुमको? तुमको मैं निपेश ही बोलती हूँ, वो तो अच्छा नहीं लगता है, जी बोलोगे तो अच्छा लगेगा। चलिए आज इसी व्लॉग का कर देती हूँ मैं एंड, क्योंकि आज थी छुट्टी, तो आज हमने कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं किया और आज पूरा दिन चिल ही किया। चिल तो क्या किया, चिल थोड़ी देर दोपहर में 1-2 घंटे सोए थे और फिर काम ही काम था रूम में, और लगभग सारा कंप्लीट कर दिया है काम। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ व्लॉग का एंड, क्योंकि ये वाला एडिट करके डालना है आप लोगों के लिए, और अभी फटाफट से एडिट कर देंगे चिकू, और फिर हम देखेंगे मूवी, कौन सी, वो शेर खान आई है ना, शेर खान मूवी देखेंगे। तो चलिए ओके बाय। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट करे और सब्सक्राइब करे मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे व्लॉग में, बाय।